बिना रोए अंतःकरण की शुद्धि नहीं होनी है। प्रसन्न रहने के लिए तो जी के अपना एक पैमाना ले लिया, प्रसन्न है। प्रसन्न रहने से काम नहीं चलेगा। प्रसन्न रहने का अभ्यास तो मेंटल है, ये तो कोई भी किसी मात्रा में कर सकता है। आत्म प्रसाद तो अंत में होगा, उसके पहले तो रोना पड़ेगा। देखो, बिन रोए किन पाइया प्रेम पिया रोमी, दुनियावी लड़की को भी पति के घर जाने के पहले रोना पड़ता है। तो रोना तो कंपलसरी है। अंतःकरण की शुद्धि जब कर लेंगे आप रो करके, और रोने में भी शर्त है कि कोई कामना अंतःकरण में ना रहे, मोक्ष पर्यंत की, श्याम सुंदर के सुख के लिए ही, उनके दर्शन के लिए ही हमारे आंसू निकले, निष्काम आंसू, और लगातार निकले, तब हमारे अंतःकरण का अनादिकाल का मैल धुलेगा। जब अंतःकरण साफ हो गया, आप कुछ नहीं करना था, अब काम गुरु का है, दे देगा परमानंद। अब हंसने का समय आया। लेकिन पहले हंसना चाहोगे तो आखिर में रोना पड़ेगा, और पहले रो लोगे तो आखिर में हंसना पड़ेगा। दुराइतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, जब ये अवस्था आ जाएगी रोते रोते कि एक क्षण भी श्याम सुंदर से मिले बिना झुक के समान प्रतीत हो फीलिंग में, और आंखों से वर्षा ऋतु लग जाए, और सारा संसार शून्य सा प्रतीत हो, जब विरह की यह अवस्था आएगी तब भगवत प्राप्ति होगी।